इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। उसके बाद में प्रदेश का बच्चा बच्चा अब माननीय अखिलेश जी के गुणगा रहा है, जो 100 नंबर चलाया, मेट्रो ट्रेन चलाई, उसके बाद तमाम हमारे यहाँ जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व बनाया। सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं, उनसे बड़ा कोई गुंडा ही नहीं है। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहे हैं जनपद पीलीभीत में, हर जगह उन्होंने गुंडागिरी करी है, प्रत्याशी को प्रशिक्षण लिए गए हैं, महिलाओं जो महिलाएं प्रत्याशी थी उनको बंधक बना दिया उन्होंने, इतनी गुंडागिरी कर दी कि उनके लोग थाने में और क्या नाम ब्लॉकों पे ऐसे पिट रहे हैं। हम जनता के लोग हैं कि पर्चा अगर भरते हैं तो उनको घर में नजरबंद कर दिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है। 10-20 सीटें मिल जाएंगी, 10-20 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि मायावती जी आरएसएस का काम कर रहे हैं, मायावती जी भाजपा के एजेंट रूम में काम कर रहे हैं, तो 10-20 सीट तो मिल जाएगी, क्योंकि भाजपा मेहरबान है तो 10-20 सीट दे सकती है। और उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी 2022 में, क्या फिर योगी आदित्यनाथ आएंगे, अखिलेश यादव, मायावती, आम आदमी पार्टी या ओवैसी, किसकी बनेगी सरकार, इसी को जानने के लिए हम शहर और गांव की तरफ रुख किया है। और आम लोगों से, आम जनता क्या चाहती है, उसके क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या यहां पे 2022 में मजहब का मुद्दा चलेगा या विकास की बात होगी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस वक्त पीलीभीत में हैं, पीलीभीत में हमारे साथ सिख समुदाय के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या होने वाला है। तो पहले तो अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप सोनकर। प्रदीप साहब, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश जी की सरकार बनेगी, अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? उन्होंने काम किया है, 2012 में जब सरकार बनी थी तो उनसे ज़्यादा आज तक इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। उसके बाद में प्रदेश का बच्चा बच्चा माननीय अखिलेश जी के गुणगा रहा है, जो 100 नंबर चलाया, मेट्रो ट्रेन चलाई, उसके बाद तमाम हमारे यहाँ जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व बनाया, इससे हमारा मंडल टॉप 10 पे रहेगा, नंबर 1 पे रहेगा, और हम और हमारे समाज के लोग अब की माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। जब अखिलेश यादव ने इतने सारे काम किए आप गिना रहे हैं, तो 2017 में फिर बीजेपी की सरकार क्यों बन गई? देखिए, काम तो किए हैं लेकिन जनता का पता नहीं क्या मन था, ठीक है, लेकिन जैसे जिस हिसाब से राष्ट्रपति ने काम किए हैं, ठीक है, तो अब वो काम याद आ रहे हैं जनता को। इस बार जो 2022 सरकार बनेगी तो रिकॉर्ड तोड़ होगा, 300 प्लस सीट हम लोगों की रहेगी इस बार में। योगी जी तो कहते हैं कि जो है अखिलेश यादव की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी, गुंडों की सरकार थी। सबसे बड़े गुंडे तो योगी जी हैं, उनसे बड़ा कोई गुंडा ही नहीं है। आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहे हैं जनपद पीलीभीत में, हर जगह उन्होंने गुंडागिरी करी है, प्रत्याशी को प्रशिक्षण लिए गए हैं, महिलाओं जो महिलाएं प्रत्याशी थी उनको बंधक बना दिया उन्होंने, इतनी गुंडागिरी कर दी कि उनके लोग थाने में और क्या नाम ब्लॉकों पे ऐसे पिट रहे हैं। हम जनता के लोग हैं कि पर्चा अगर भरते हैं तो उनको घर में नजरबंद कर दिया जाता है, घर से उठा लिया जाता है। तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश की, हमारे जनपद बिस्नापुर ब्लॉक में भी इतना हुआ कि प्रत्याशी को भी ले लिया, उसका पर्चा भी छीन लिया, और वहाँ के कुछ जो भाजपा के गुंडे थे, भाजपा के विधायक थे, उन्होंने 200-300 लड़कों प्राइवेट लड़कों भेज के, और DM और SDM को कप्तान को फ़ोन भी किया गया वहाँ पर, लेकिन एक नहीं सुनी उनकी। और वहाँ SDM मौके पर खड़े थे, CO मौके पर खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं दिखा। उन्होंने कहा ये तो हर सरकार में होता है, बल्कि समाजवादी सरकार में सारे लोगों ने चुनाव लड़े, सारे लोग चुनाव लड़के जीत भी आए, बसपा के भी जीते थे, कांग्रेस के भी जीते थे और भाजपा के भी जीते। समाजवादी पार्टी ने कहीं गुंडेगिरी नहीं करी थी अखिलेश जी के राज्य में, और इसी चलते ये जनता जवाब देगी 2022 में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गुंडई हुई है इस चुनाव में, ये कहा जाता है कि किसान आंदोलन हुआ, CAA NRC प्रोटेस्ट हुआ, और अब ये जो है मामला चल रहा है, मगर अखिलेश यादव नदारद हैं, वो जो है ट्विटर फेसबुक से ही राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सारे जनपदों पर जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आ चुके हैं, बरेली आ चुके हैं, रामपुर आ चुके हैं, बदायूं आ चुके हैं, और लगातार हमारी अभी बरेली मंडल में एक कार्यक्रम हुआ था 3 दिवसीय, उसमें आए थे, सारे लोगों से मिले, जनता के लोगों से मिले, और बाई रोड आए, लोगों से मिलते हुए आए, और हर एक जनता, एक आम नागरिक अगर माननीय राष्ट्रपति जी को फोन करता है तो तुरंत बात करते हैं। मायावती यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, क्या स्थिति होने वाली उनकी? 10-20 सीटें मिल जाएंगी, 10-20 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि मायावती जी आरएसएस का काम कर रही हैं, मायावती जी भाजपा के एजेंट रूम में काम कर रही हैं, तो 10-20 सीट तो मिल जाएगी, क्योंकि भाजपा मेहरबान है तो 10-20 सीट दे सकती है। और आज हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी बहराई चाहे हैं, सबसे बड़ा तो एजेंट वही है भाजपा का, और ये बिहार में हमको देखने को मिल गया है, बिहार में जनता ने लड़ाया था, लेकिन इनको इन्होंने एक जो दिल में लोगों ने बनाया कि हम अच्छा काम करें, बड़े करें, ठीक, लेकिन वो भाजपा का काम किया, भाजपा के एजेंट रूम में अरबों रुपए खा के भाजपा की हर जगह दलाली कर रहे हैं। किस
किसान आंदोलन का कितना प्रभाव रहेगा? बहुत बड़ा प्रभाव है। किसान अब की बार में तख्ता पलट करने के बैठा है। ये हिंदुस्तान के अंदर ये हुकूमत चली जाएगी, ये बाबाओं की जो हुकूमत है वो चली जाएगी हर हाल में।